हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस रूम में पहले पापा का जो सेटअप था वो पापा ने अपने पुराने वाले रूम में शिफ्ट कर लिया, जहाँ पे पहले मेरा सेटअप था, क्योंकि मेरा सेटअप ऊपर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे पहले की तरह बेड लग गया है। और बेड लगते ही विंटर ने उस पर कब्जा कर लिया। ऊपर चलते हैं, आज बेड लगने वाला है। बेड और अलमारी दोनों आ चुके हैं। थोड़ा मैं सोच रहा लाइट कलर होगा, ऑनलाइन ऑर्डर किया मैंने, कलर थोड़ा सा डार्क निकल गया बट वो भी अच्छा लग रहा है। हम वैसे जाकर देख के लाने वाले थे बेड और अलमारी, बट फिर हमने सोचा ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। हमें ऑनलाइन एक दो मॉडल अच्छे लग गए तो फिर हमने वही ऑर्डर कर दिए। तो अभी इसको बस असेंबल कर रहे हैं। तो अलमारी असेंबल हो गई है। थोड़ी मैंने हाइट छोटी रखी है अलमारी की, ताकि कभी एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना होना वो बड़ी मुश्किल से निकलती है फिर रूम से। बेड लग रहा है वैसे भी, जो पहले वाला बेड था जो पूरा जल गया था उससे थोड़ा सा लेंथ में लंबा है, बाकी तो ऑलमोस्ट उसका स्ट्रक्चर सेम ही है। इस बार ही बस ऊपर ड्रॉअर एक्स्ट्रा है और रखने की जगह है, और बॉक्स वाला मंगवाया इस बार ही, ताकि उसमें थोड़ा सा कपड़े उपड़े रखने की जगह और मिल जाए अपने को। नीचे सफाई भी नहीं हो पाती ठीक से, तो फिर हमने बॉक्स वाला ही ऑर्डर किया। और ये देखो स्टूल्स से, जो टीवी के नीचे स्टूल्स पड़े हैं उससे भी इसका कलर मैच हो गया। पूरा लगने के बाद आपको होम टूर में अच्छे से दिखाऊंगा। तो अभी विंटर की वैक्सीनेशन है, थर्ड, फर्स्ट टू वैक्सीनेशन उसकी, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद सिर्फ एक रह जाएगी फिर कैनाइन कफ, वो जुलाई में उसकी ड्यू है। विंटर की डीवोइंग मैंने 2 महीने से अब 3 महीने पे कर दी, बिकॉज उसका स्टूल का इशू एकदम सॉल्व हो चुका है। तो नॉर्मली जितने गैप में दिया जाता है 3 मंथ्स के गैप में, अब मैं उसी गैप में दे रहा हूँ उसको डीवोइंग। विंटर ने एक नया फ्रेंड बनाया बेड के क्लिनिक पे, तो चलो आज आपको पार्क के दर्शन भी कराते हैं। तो सिंस हमारे यहाँ लेबर आ ही रखी थी, तो जो पार्क की मिट्टी सब ऊपर नीचे हो रखी थी ना इस कॉर्नर पे और आगे भी थोड़ा सा, वो हमने फ्लैट करवा दिए। हॉर्टिकल्चर वालों ने भी करी थी वो फ्लैट, बट थोड़ी सी यहाँ रह गई थी। अब इसको थोड़ा इवन आउट करके हमारा जब काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हम आगे रैंप बनवाने में फोकस करेंगे और थोड़े पेड़ भी लगाने हैं। तो उसका अपडेट जैसे जैसे होगा वो आपको देता रहूँगा। अभी घर के अंदर चलते हैं। मम्मी की क्लास ख़त्म हुई है, नेक्स्ट संडे को आएगा ना। अभी हम हर हफ्ते नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ काम ज़्यादा है, तो 15 दिन में ये क्लास आ पा रही है। इसके बाद देखेंगे कैसे कैसे करना है। पापा ने माहौल बना लिया वापस, पहले से बेटर बन गया है, क्योंकि मेरी तो इतनी स्क्रीन्स थी कि व्यू ही नहीं अच्छा आता था। क्या चल रहा है पापा? अकाउंट्स को फाइनल कर रहे हैं बस, मार्च एंड आने वाला है। हाँ जी, सी को भेजना था। चलो चलते हैं। ऐसे बैठा हुआ विंटर नीचे, अभी देखिए हमें कसाई नहीं उठ गया। और इसके लिए मैंने गुफा जो बनाई है वो है यहाँ। इसकी गुफा है, यहाँ है इसकी गुफा, इसमें इस डॉगी को हमें घुसाना है। जाओगे आप अंदर विंटर? जाओगे कि नहीं जाओगे? विंटर मैं कोशिश करता हूँ इसको गुफा में डालने की, नहीं तो फिर मेरे पास एक तरीका है, एक ट्रिक है जिससे जाएगा। बस एक ट्रिक है, वो ट्रिक है ये आइसक्रीम। तेरे को गुफा में घुसाने आ रहा है, पहली बार ये खोली भी नहीं मैंने इसको, तब भी पता ना 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 ना। चॉकलेट
उसको ये समझ आए क्योंकि ये जो जगह है अच्छी जगह है, यहाँ पे जाने पर ट्रीट मिलती है। पानी जाके वापस स्टे स्टे अभी नहीं खाना बेटा, तुमने खाया ना अभी ओके स्टे बेटा। जगह बहुत स्टे इट अरे यार नहीं है भाई अंदर अंदर उसके अंदर है जा ढूंढ उसको ढूंढ अंदर के चलो गेट इनसाइड द केव गेट इन इधर ऐसे देख आइसक्रीम अंदर पड़ी है गो इनसाइड चट कर रहे आप। इतने प्लान करके बनाई थी मैंने इसकी गुफा है। गुड बॉय। मुझे अब लग रहा है कि हो सकता है थोड़ी छोटी हो बट सोफे के नीचे सोता है ना मैंने कहा इसके लिए कोजी सी जगह बनाता हूँ। हाउ यू फीलिंग विंटर व्हाट्स योर नेम स्पीक स्पीक से आई लव यू गुड बॉय डाउन बैठा रहा अभी तेरी बैठा रहा मैं काम करूंगा अब कुछ हाल सजना तो मिला दाड़िया तो ये शॉट मैंने कुछ दिन पहले लिया था विंटर को सोते हुए शूट करने के लिए बट वो मेरी आवाज़ से उठता जा रहा था बार बार बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि जब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाए ना मैं उसको कैप्चर कर सकूं तो वो कैप्चर हो गया है धीरे धीरे वो आंखें बंद करके सो जाता है। बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो गाइस आज के लिए इतना ही अगले व्लॉग में मिलते हैं।